Hello everyone. Today we will discuss one another interesting topic related to corporate social responsibility, that is Carroll's pyramid of corporate social responsibility. अब ये pyramid क्या है, क्यों इसकी requirement है, let's discuss this further. So Carroll's pyramid basically corporate social responsibility का एक framework है that explain who and why business should center corporate social responsibility. So what priorities they should set, किस चीज़ पे उन्हें focus करना है. ये pyramid जो है हमारा Carroll's का, ये हमें एक guideline देता है, एक guidance देता है जिससे हमें किसी भी business को पता चल सके in order to complete their, in order to implement corporate social responsibility in their organization, हमें start में किस चीज़ पे focus करना है. So basically ये pyramid के बारे में ये आर्चेस Carroll ने develop किया था 1991 में in order to understand what constitute corporate social responsibility, और उसको इन्होंने basically four layers में divide किया था जिसपे इन्होंने एक pyramid की shape दी थी और वो कुछ ऐसा लगता था. और इसके base पे इनकी depending upon the pyramid shape क्यों choose की गई थी कि इसके जितने भी levels हैं that represent the importance. So importance के कारण ही उन्होंने इसको पिरामिड की शेप दी गई थी. सो दैट डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सीएसआर डिमेंशन. अब सीएसआर एक्टिविटीज अगर कोई भी कंपनी करनी चाहती है तो उसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग जो बेस पे है दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन, देन लीगल, फिर एथिकल, देन लास्ट पे आ जाती है फिलेंथ्रोपिक. सो इकोनॉमिक क्यों इन्होंने लास्ट में ली, दैट वी विल डिस्कस. शेप पिरामिड क्यों ली गई, क्योंकि ये सारी जितनी भी चार डिमेंशन है ये इक्वली इम्पोर्टेंट ही है. कुछ फर्स्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस फर्स्ट रैंक पे है इकोनॉमिक, देन लीगल, देन एथिकल. सो द बेस इज इकोनॉमिक एंड लास्ट वाले सबसे स्टार्ट. कोई भी अगर कंपनी कॉर्पोरेट सीएसआर एक्टिविटी करना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक डिमेंशन को कंसिडर करना होगा और लास्ट में फिलेंथ्रोपिक आती है. अब ईच इन सारी डायमेंशन को लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम. सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक डायमेंशन. सो अकॉर्डिंग टू Carroll, ए बिजनेस नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल. अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो वो कोई भी अपनी सीएसआर एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कर पाएगा. सो दैट्स वाई लीविंग ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल. और अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स की भी बात करें, अगर आप जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टडी करते हैं तब भी हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सो उसी तरह से इकोनॉमिक कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए Carroll ने एट द बेस ऑफ द पिरामिड इकोनॉमिक डायमेंशन को रखा है. सो एवरी बिजनेस दे हैव ए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी. अब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि बिजनेस शुड, दे शुड जनरेट प्रॉफिट, जॉब क्रिएट करे जिससे वो किसकी कॉन्ट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी, जैसे कि GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करे. अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न ही नहीं करेगा तो कोई भी हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की टू अर्न प्रॉफिट. और जितने भी शेयर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आप शेयर होल्डर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. इम्प्लॉयज को अच्छी वेजेस चाहिए, जो कस्टमर हैं हमारे उन्हें रिलायबल और गुड सर्विस चाहिए. अब ये सारे बिजनेसेस जो भी एक्टिविटीज है ये आप तभी फुलफिल कर पाओगे अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है. सो इन ऑर्डर टू सस्टेन themselves, इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर ऑपरेशन, बिजनेसेस नीड्स टू बी इकोनॉमिकली वाइबल. एंड दैट्स व्हाई Carroll पॉइंटेड आउट दैट एवरी बिजनेस दे शुड फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नीड टू बी प्रॉफिटेबल ओवर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेकेंड आ जाता है, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो सेकेंड थिंग आ जाती है लीगल ऑब्लिगेशन. अब प्रॉफिट अर्न करने का ये मीनिंग नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के लॉज को अबाइड ना करें. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू डू बिजनेस अकॉर्डिंग टू Carroll, एवरी बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद द लॉज, रेगुलेशन,
prevalent practices in order to do their operation, which can range from international to local levels. तो जितने भी business के related, चाहे कोई international laws हैं, चाहे local level पे है, कोई municipality, कोई tax charge कर दी, everything they need to do within the legal consideration. Law, business कोई भी हो, it cannot supersede over the legal framework. So they need to abide by the laws, regulation of any particular country, even international laws अगर applicable है. So these legal consideration business को guide करते हैं in order to do fair conduct, every aspect cover करे, whether it is environment, whether laws related to environment protection or employment, health and safety, anti-competitive practices. So all these law, legal, जितने भी आप laws abide कर रहे हो, they ensure that business should operate fairly and legally. And at a minimum, legal responsibility protects companies from legal consequences such as penalty or prosecution. So to ensure compliance, companies should build a culture of transparency and there should be a proper reporting of each and everything. So legal consideration से हमें एक तो हम penalties से बचते हैं और दूसरा हमारी एक fair image भी create होती है among the society. For example, environmental regulation may require companies to disclose their emission level. So by maintaining transparency, business not only adhere to legal standards but also build a framework of trust among the stakeholder. Like India में Tata's को हम बहुत ही एक ऐसी कंपनी, उनकी इमेज है शुरू से, which is very ethical company, जो rules regulation को abide करती है. So it helps to create a positive image among the community also. Next आ जाते हैं, then is ethical responsibility. So sometimes legal laws are not effective. Company need to be ethical. They should abide by ethical principles that are needed to ensure that company does the right thing. This is the third level in the pyramid. So first is economic, second is legal, third ethical. So this instills that doing what is right, fair and just, even it is not mandated by the legal framework. While laws, jitne bhi legal hai, they are based upon ethical principle, but they can lag behind societal changes. So agar aap society mein kuch change lana chahte ho, kuch positive impact karna chahte ho, other than legal, above that you need to be ethical responsible, which means you exceed above your legal requirement also. For example, a company may choose to pay fair taxes rather than exploiting loophole present. Although paying fair taxes is within the legal framework, aap agar kuch taxation system mein koi loophole exist karte ho, uska use karke aap apni company ko koi economic benefit dila rahe ho, that is legal. Aap uske liye koi penalty nahi charge karega. But still, agar hum ethically dekhen, तो एथिकली और मॉरल ग्राउंड्स पे वो रॉन्ग हो सकता है. सो दैट्स व्हाई इफ यू एक्सीड योर लीगल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ सीएसआर इज यू नीड टू बी एथिकली रिस्पॉन्सिबल. ओके, दिस अप्रोच हेल्प बिजनेस मींस इंटेग्रिटी, बिल्ड ए रेपुटेशन एंड इट्स डेमोस्ट्रेट इमेज. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज विच डिपिक्ट्स दैट company is ethical, which is far beyond than the compliance with the legal requirements. Okay, next last one is the philanthropic. So according to this, top of the pyramid is where business voluntarily contributes towards the betterment of society. Ab society ke welfare ke liye kuch activities karte ho, like charitable distribution, jahan par koi bhi business ka kuch aisa motive nahi hai ki unko koi economic benefit ho, but still for the benefit of society, they do certain initiatives that improves the quality of life. So it a philanthropic responsibility may seem like an extra effort, but today companies are really giving back to the society. Like ITC ka initiative dekho, e-Chopal jo bahut famous hua. Similarly other business jaise Reliance ki ek setup hai, the welfare towards the various athletes they are helping. So every business organization, they had certain objectives and according to that they
sponsor some local initiative, form charitable partnership, donate towards the welfare of the society as a whole, so that they can make a positive change their commitments. Okay, so ये इसका benefit क्या हुआ Carroll's pyramid का? इसका benefit हमें ये है, first it develops a holistic approach towards CSR. कोई भी कंपनी अगर स्मॉल लेवल पे भी स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें पता है कि सबसे पहले उन्हें इन ऑर्डर टू बी CSR responsible, they first need to be economical viable, फिर उन्हें legal framework fulfill करना है, then ethical. So एक framework पहले से prepare है which helps them balance their needs towards society, towards their stakeholders, employees. Okay, then it's a strategic CSR integration. So pyramids, by understanding and prioritizing their responsibility, business can align their strategies towards, while developing their strategies, they should focus on these things, which ultimately helps in enhancing their reputation and trustworthiness. Next is the stakeholder expectation. So stakeholders को भी आप अगर in four levels पे अपनी strategy को align करते हो, you can easily take care of your stakeholder itself, whether they are customer, whether they are shareholders, whether even it is government, you can easily foster a positive relationship which brings your positive image in the market. Ultimately, it helps in enhancing the relationship and foster loyalty. Next, sustainable business practices. So if you, it's a long-term exercise, long-term planning ka ye part hai. आप अगर एक दिन में तो आप फिलेंथ्रोपिक लेवल तक पहुंचोगे नहीं. सो कैरल्स फ्रेमवर्क हमें बताता है कि इफ यू नीड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए करना कुछ करना चाहते हो, तो दिस इज द फ्रेमवर्क. ये एक लैडर है जिसके थ्रू आप उस लेवल को रीच कर सकते हो. आप एक कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की तरह कैसे कोई भी कंपनी बिहेव कर सकती है, उसके लिए आपके लिए ये एक फ्रेमवर्क है. और अल्टीमेटली हमने पहले भी डिस्कस किया, इस फ्रेमवर्क से बिजनेस की ब्रांड वैल्यू इन्हांस होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे वो एक कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को, और अल्टीमेटली दे कैन अट्रैक्ट टॉप टैलेंट फ्रॉम द मार्केट. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉट ओनली इट इज फाउंड दैट इफ कंपनीज दे डू फॉलो दिस फ्रेमवर्क और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक्टिविटीज करते हैं, they not only create positive image but their market value increases and generally their revenue increases around 20%. This is research by Project ROI. Then a study by Nielsen revealed that 83% of their global consumers are prepared to pay a premium for sustainable products. So agar aap society ke welfare ke liye kuch karte ho, aap ek acche product banate ho, तो उसका आपको बेनिफिट भी होता है. देन एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन में ही हेल्प करता है. अगर कोई आप पर्पस को, जो भी कंपनी स्ट्रॉन्ग पर्पस के लिए वर्क करती है, दे आर एबल टू अट्रैक्ट इजिली टॉप टैलेंट फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट सेविंग थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफन लीड टू कॉस्ट सेविंग, उनकी रेवेन्यू इंक्रीज करती है. इवन 22% ऑफ कंपनीज रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट can benefit from these efforts over a time period of past 5 years. So not only non-monetary gains hote aapko, you also attract certain monetary gains if you follow this CSR activities. Ab challenges kya hai? First challenges aur iske solution kya hai, uske bare mein bhi hum baat karein. First is that it's very easy to say that ki ek pyramid hai, base pe economic hai, fir legal hai, फिर एथिकल आपको होना है, फिर फिलेंथ्रोपिक, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस दिस बिकॉज दीज आर वेरी कंफ्लिक्टिंग इन नेचर. लाइक समटाइम्स इफ इन ऑर्डर टू इन्हांस योर प्रॉफिट, आपको एक चूज करना पड़ता है कि वेदर यू वांट टू बी एथिकल कंपनी और यू वांट टू बी ए प्रॉफिटेबल कंपनी. तो उस केस में इस चीज को आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? अगर कोई भी कंपनी अपनी CSR स्ट्रेटजीज को इस तरह से अलाइन करे विच take care of their core values, long term goals, ultimately they will be able to fulfill balance approach wo kar payenge. But otherwise some companies they don't take into consideration the holistic viewpoint aur sirf wo sochti hain ki starting mein agar unhe kuch bhi initiative karna hai, they need to be economically viable,
सो वो सारा फोकस इकोनॉमिक वायबिलिटी पे ही दे देते हैं और उसके कारण वो कुछ लॉज भी ब्रेक कर देते हैं। बट ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है, वी नीड टू बैलेंस फोर थिंग्स, एक तरह के वो पिलर हैं जिन्हें आपको बैलेंस करके चलना है। सो अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। सेकेंड जो इसका लिमिटेशन है और क्रिटिसिज्म है, दैट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलोकेट रिसोर्सेज, बैलेंस मेंटेन करना, फाइनेंसिस को देखना और बाद में आप लीगल और एथिकल हो सकते हो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इसके लिए कोई भी कंपनी है, अगर आप CSR एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट विद स्मॉल मैनेजेबल प्रोजेक्ट्स जिसका आप थोड़ा ग्रेजुअली आप उनकी ओर एक्सपेंड करो और जिसका आप मेजर कर सको कि उनसे क्या बेनिफिट हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को। दैट लीड्स अप टू नेक्स्ट मेजरिंग इम्पैक्ट। सो इन इनिशिएटिव का जो हमें प्रॉब्लम आती है, दैट इज इम्पैक्ट मेजर करना कि CSR एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उससे अल्टीमेटली बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं। तो उसका आपको सोल्यूशन यही है कि आप ट्रैक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी CSR एक्टिविटीज में स्कूल ही ओपन कर दिया, तो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, आपको वो ट्रैक करना है। अल्टीमेटली अगर आपने वो स्कूल ओपन किया है तो आपकी कंपनी का नेम भी उस स्कूल के साथ अटैच हो गया है। सो डियर परफॉर्मेंस, अगर आपको CSR का बेनिफिट हो रहा है तो यू नीड टू एस्टेब्लिश ए क्लियर मैट्रिक सो दैट यू कैन ट्रैक देयर परफॉर्मेंस। एंड लास्ट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर डूइंग जस्ट थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग और पेपर वर्क फुलफिल करने के लिए, क्योंकि CSR एक्टिविटीज मैंडेटरी है, आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्ट करना इस पर मैंडेटरी हो गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर जस्ट डूइंग फॉर द पेपर वर्क, इनसिंसियर एफर्ट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंपनी एंड इट शुड बी इंटीग्रेटेड एट द लोअर लेवल टू ऑल द एम्प्लॉयज दैट वाई दीज एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट एंड दे शुड टेक जेन्युइन इंटरेस्ट। इट शुड नॉट बी ए मेयर पेपर एक्टिविटी, ऑन पेपर्स पे आप सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओके, अगर आप ट्री ही प्लांट कर रहे हो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने 10,000 ट्रीज प्लांट कर दिए और बाद में विद इन 3 मंथ्स वो ट्री एग्जिस्ट भी नहीं करते उस प्लेस पे जहाँ पे आपने। एक रेगुलर सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। अगर आपने ट्री प्लांटेशन की है तो उन ट्रीज को एटलीस्ट आप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी एक पर्सन की जो चेक करे कि वो प्रॉपर ग्रो करे। आपने जिस पर्पज से वो इनिशिएटिव किया है, वेदर दैट पर्पज आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। देन ओनली वी कैन मेक ए ऑथेंटिक एफर्ट। सो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए कंपनीज को प्रॉपर जेन्युइन इंटरेस्ट लेना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो कैरल्स पिरामिड की नो डाउट एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिससे कोई भी कंपनी एक अंडरस्टैंड कर सकती है किसी भी लेवल पे अगर उन्हें CSR एक्टिविटीज करनी है तो फर्स्ट उन्हें क्या करना होगा। लाइक इन इट्स वेरी नेचुरल दैट अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर सकती। सो दिस मॉडल हेल्प अस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग CSR इनटू देयर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सो दैट दे कैन कंपनी कैन मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप वो कैसे बिल्ड करे कम्युनिटी के साथ, वेदर इट्स देयर एम्प्लॉइज, वेदर इट इज कस्टमर्स और इट जेन्युइन एफर्ट करे टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सो इस फ्रेमवर्क से कोई भी कंपनी को एक ब्रॉडर गाइडलाइन मिल सकती है कि वो अपनी स्ट्रेटजी में CSR को कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, सो डू लेट अस नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।